Hi all of you, you all are welcome on this channel Learn Beyond. So basically today we are in self-assessment improvement series जहाँ पे इस वीडियो में बताई बातें आप अपने लिंक पे दिए हुए टेस्ट के आधार पे आप चेक कर सकते हैं. यू कैन व्यू योर प्रोग्रेस, आपने उस टॉपिक को कितना समझा, कितना याद रखा, कितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी इस पर्टिकुलर टॉपिक में हुई. तो बेसिकली इस वीडियो के बाद, पूरा देखने के बाद, है ना, ऐसा नहीं कि वीडियो को शुरुआत किया और उसके टॉपिक को देखा और आप डायरेक्ट सेल्फ असेसमेंट लिंक पे चले गए. नो, आप कुछ पूरी तरह इस वीडियो को देखें और वीडियो को देखने के बाद ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए सेल्फ असेसमेंट लिंक पे क्लिक करें. उसमें 20 क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं, उस 20 क्वेश्चन में पूरी गंभीरता के साथ उन क्वेश्चन को समझें, उनके च्वाइसेस को देखें और फिर आप जितनी जल्दी हो सकते हैं उस टेस्ट को सबमिट करने के बाद आपके पास आपके स्क्रीन पे ऐसी स्क्रीन दिखेगी जहां पे व्यू स्कोर करने के बाद आपको अपनी एनालिसिस देखने को मिले, आप करने को मिलेगी, आपकी इंप्रूवमेंट, आपके मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे कि आउट ऑफ 20 कितने आपके मार्क्स हैं. हमेशा से मैं कहता आया हूं 18 एंड 18 प्लस वुड बी ए गुड स्कोर, जहां पे आप ये कह सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप समझ गए. सो आवर टुडेस टॉपिक फॉर दिस सेल्फ असेसमेंट सीरीज इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. हम फटाफट बहुत तेजी के साथ, क्योंकि लाइव लेक्चर ऑलरेडी मैंने आपको दिया है, तो फटाफट इस स्क्रीन को शेयर करने के साथ ही, इस बुलेट पॉइंट को शेयर करने के साथ ही हम खत्म करेंगे आपके उस टॉपिक को, जो टॉपिक आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन की बेसिक टॉपिक है, दैट इज आरबीआई. आरबीआई की बेसिक बातों को हम देखेंगे, आरबीआई के फंक्शन को हम देखेंगे एंड आरबीआई के रेट्स को हम देखेंगे. बट वी विल गो नॉट गो फॉर मॉनिटरी पॉलिसी बिकॉज ऑलरेडी ए कंप्लीट लेक्चर एंड सेल्फ असेसमेंट सीरीज के रूप में ही मैंने आपको मॉनिटरी पॉलिसी बिल्कुल अलग दायरे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में आपको समझाया है. अगर किसी का छूट गया हो तो चैनल पर जाकर उन चीज को देख सकते हैं और फिर आप उसका भी असेसमेंट दे सकते हैं. तो लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. हमें ये जानना है कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ, कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ, आरबीआई के हेडक्वार्टर को हमने शिफ्ट कब किया, अभी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कौन कौन से देश के रूप कंट्रोलर के रूप में आरबीआई ने काम किया है, आरबीआई की जो हेडक्वार्टर है और उसके जो गवर्नर है वो कौन है, डिप्टी गवर्नर कौन है, कितने होते हैं, कितने सालों के लिए इनका अपॉइंटमेंट होता है, फंक्शन क्या है, और जो रेट्स हैं क्वांटिटेटिव के, चाहे वो बैंक रेट हो या फिर रेपो रेट हो या फिर रिवर्स रेपो रेट हो या सीआरआर और एसएलआर हो, उसको देखते हुए हम पढ़ने की कोशिश करेंगे. तो चलें शुरुआत करते हैं. सबसे पहली बात वो ये है कि एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री है, जिसको हम कहते हैं रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट. यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं फटाफट, दैट इज मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर आपकी जो रेट्स आते हैं उनको देखना बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के नजरिए से होता है. दूसरी बात, इंडिया के फिनेंशियल मार्केट को जो रेगुलेट करता है वो नॉट सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ सेबी एंड आईआरडी है. फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फिनेंशियल मार्केट रेगुलेटर इन इंडिया इज आरबीआई एज वेल एज सेबी एंड देन आईआरडीए. तो ये तीनों मिलके आपके इंडिया के फिनेंशियल मार्केट के रेगुलेटर कही जाती हैं. बट उसमें से अगर मनी मार्केट का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, आंसर इज आरबीआई. सेपरेटली अगर कैपिटल मार्केट पूछा जाए, आंसर इज सेबी. एंड रीइंश्योरेंस मार्केट पूछा जाए तो आंसर हम उस ऑर्गेनाइजेशन को लगाएंगे जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने 1999 हैदराबाद में किया है, आंसर इज आईआरडीए. तो यहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन ना आईआरडीए पे है ना सेबी पे है, हमारा कंसंट्रेशन पूरी तरह मनी मार्केट के रेगुलेटर, फाइनेंशियल मार्केट की, इन तीनों में एक इंपॉर्टेंट रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ है. पहली बात आपके साथ मैंने बताई कि इंडिया के मॉनिटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है. इसका एस्टैब्लिशमेंट हमने यंग और हिल्टन कमिटी के रिकमेंडेशन पे किया है, जिसको दूसरे लहजों में हमने रॉयल कमीशन का भी नाम दिया है. जिस समय हमने इस आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट किया, वो कमिटी आपकी हिल्टन कमिटी के साथ साथ आरबीआई की एक्ट से हमने बहुत सारी बातें ली हैं. तो आरबीआई का एक्ट 1934 का था. 5 करोड़ की लागत से कोलकाता में इनका एस्टैब्लिशमेंट हमने 1 अप्रैल 1935 को किया है. एंड नेशनलाइजेशन, जो राष्ट्रीयकरण हम बोलते हैं, वो नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई ऑन 1 जनवरी 1949. चूंकि पाकिस्तान और बर्मा और बांग्लादेश हमारे साथ साथ काम कर रहे थे बहुत दिनों तक, पाकिस्तान 1947 में अलग हुआ, बांग्लादेश आपकी आजादी के बाद अलग हुआ, बर्मा 1937 में हुआ, तो कह सकते हैं आप कि आरबीआई ने इंडिया के साथ साथ इन तीनों कंट्री के रेगुलेटर के रूप में काम किया, क्योंकि ये तीनों कंट्री भारत का ही हिस्सा थे. क्लियर?
उसके बाद आप जाने कि इस आरबीआई के हेडक्वार्टर को जिस समय हमने शिफ्ट किया वो समय आपके एस्टैब्लिशमेंट से दो सालों के बाद का था, दैट इज इन द ईयर 1937। तो यहां से हम शुरुआत करेंगे आपके नेक्स्ट फैक्ट, दैट इज हेडक्वार्टर शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई इन 1937। प्रेजेंट इम्बैल जिसको आप सिंबल कह सकते हैं, सिंबल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज टाइगर एंड पाम ट्री। तो जब भी आप आरबीआई का फोटो देखेंगे तो टाइगर और पाम ट्री आपको देखने को मिलेगा, दैट इज सिंबल एंड इम्बल्म ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की जो रीजनल ऑफिसेस हैं मुंबई में, तो उसकी हेडक्वार्टर है जो हमने 1937 में बनाया, लेकिन जो रीजनल ऑफिसेस हैं वो 31 जगहों पे हैं, 31 रीजनल ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जनरली स्टेट्स कैपिटल में है बट 31 है। फाइनेंशियल ईयर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉट स्टार्ट्स फ्रॉम 1st ऑफ अप्रैल, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। Financial year of RBI starts from 1st of July and the only overseas office of RBI is in London. तो इतनी बात आपके लिए बेसिक बातें थी जिसका जिक्र मैंने आपके साथ किया है। इससे आगे आप हमें क्या देखना है, इससे आगे हमें देखना है कि RBI को कंट्रोल करने के लिए कितने टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो ऐसे 20 टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं RBI के। गवर्नर आज के डेट में कौन है, तो 25वें गवर्नर हमारे लिए काम कर रहे हैं, शक्तिकांत दास उनका नाम है। इसके साथ साथ इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और आज के डेट में 4 के 4 डिप्टी गवर्नर आपके लिए काम कर रहे हैं। एक तो बिल्कुल रीसेंट आए हैं, तो इन 4 डिप्टी गवर्नर का नाम हम देखते हैं, आपके स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, दैट इज टी रविशंकर, न्यू अपॉइंटमेंट है। उसके साथ साथ एम के जैन, दैट इज महेश कुमार जैन, एम डी पात्रा एंड एम राजेश्वर राव काम कर रहे हैं। फर्स्ट गवर्नर जब हमने आरबीआई को सेटअप किया था इन द ईयर 1935, तो हमने फर्स्ट गवर्नर बनाया था, नाम था ऑजम स्मिथ, एओ स्मिथ फॉर द फर्स्ट गवर्नर। एंड इन द ईयर 1943, आजादी से पहले ही, हमने आरबीआई के फर्स्ट भारतीय गवर्नर को बनाया, नाम दिया सी डी देशमुख। इतनी बेसिक बात मैंने आपके साथ की है। इसके बाद हम चलेंगे फंक्शन ऑफ आरबीआई। देखिए फंक्शन क्या है, तो फंक्शन तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी करेंसी आपके इंडिया में प्रिंट होती है सबको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करती है, एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट एंड ऑल क्वाइंस। तो ये जो 1 रुपीज का नोट है ये कौन प्रिंट करता है, कहने का मतलब उस पर जो सिग्नेचर होते हैं वो किसके होते हैं, आंसर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज फाइनेंस सेक्रेटरी, दैट इज वित्त सचिव। टीवी सोमनाथन आज के डेट में आपकी फाइनेंस सेक्रेटरी है। प्लीज इन चीजों को आप रिवाइज करते रहेंगे, क्योंकि ये वीडियो अगर 6 महीने के बाद देखेंगे तो हो सकता है फाइनेंस सेक्रेटरी चेंज हो जाए, हो सकता है रेट चेंज हो जाए, हो सकता है गवर्नर चेंज हो जाए, या फिर कोई डिप्टी गवर्नर रिप्लेस हो जाए। तो यू हैव टू मेक इट अपडेटेड, क्लियर। आज के डेट में एज ऑन डेट को मैं ये बता रहा हूँ कि फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन है। उसके साथ साथ क्या और काम करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ऑल कॉइंस है, है ना, बैंकर्स बैंक है, एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन IMF वर्ल्ड बैंक है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट है, कहने का मतलब क्राइसिस में बैंकों को पैसा देने वाला RBI है, इट्स कॉल्ड लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट। RBI ही वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है जो हर एक बैंक या NBFC को आपके RBI बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 22 के अंदर लाइसेंस देने का काम करती है। कंट्रोलिंग ऑफ NDTL है, मॉनिटरी पॉलिसी एंड क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी को रेगुलेट करने वाली ये अथॉरिटी है, एक्सेप्ट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक एंड फिस्कल पॉलिसी। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक लग रहा है कि बैंक का काम है तो RBI करेगी, नेशनलाइजेशन बैंक का है बट RBI इसे करती नहीं है। सो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक एंड फिस्कल पॉलिसी, ये दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अवधारणा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फंक्शन है। तो इन चीजों को हमेशा ध्यान रखें, आपसे पूछा जाएगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उस कंडीशन में नेशनलाइजेशन हमेशा और हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट होगा, फिस्कल पॉलिसी हमेशा और हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट होगा, वेयरएज मॉनिटरी पॉलिसी RBI का पार्ट होगा। सारी बात मैंने आपके साथ बताई है, स्क्रीन पे भी आपको इन चीजों को देखने को मिला है। अभी हम चलेंगे आपके RBI के रेट्स पे, RBI के जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रेट्स होते हैं, इसमें क्वांटिटेटिव में क्या क्या आते हैं, इसमें आते हैं बैंक रेट, रेपो रेट, CRR, SLR, रिवर्स रेपो रेट, MSF, दैट इज मार्जिनिंग स्टैंडिंग फैसिलिटी, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो यहाँ पे हम OMO या MSF या फिर LAF पे नहीं है, यहाँ पे सबसे रेट पे हैं।
वो रेट आपके दो टाइप के हैं, एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट, दूसरे को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स व्हाट, जैसे ही हमने इंपोज किया उसका इफेक्ट मार्केट पे देखने को मिलेगा। तो डायरेक्ट में होते हैं सिर्फ दो ही रेट, एक सीआरआर एंड सेकंड इज एसएलआर। जैसे ही ये रेट बढ़ेगा घटेगा डायरेक्ट इसका इंपैक्ट आपके मार्केट पर देखने को मिलेगा, क्योंकि वो क्विक में क्या होता है तो आरबीआई के पास अपडेट करना पड़ता है। अदर देन इनडायरेक्ट जो रेट है ये तो कस्टमर लेंगे फिर बाद में देंगे, तो इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़ता है, इस कारण से हम बोलते हैं इनडायरेक्ट, है ना। तो डायरेक्ट की बात अगर आप जाने तो सीआरआर एंड एसएलआर है। क्या होते हैं सीआरआर एंड एसएलआर, ऑलरेडी हमने मॉनेटरी पॉलिसी में देखा है, बहुत व्यापक तरीके से हमने देखने की कोशिश किया है कि सीआरआर एक ऐसा रिजर्व है जो तमाम कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कैश के रूप में रखती है विदाउट किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के। आरबीआई कोई भी इंटरेस्ट इस रिजर्व पे कैश रिजर्व पे पेमेंट नहीं करती है। एज ऑन डेट सीआरआर इज 4%। एसएलआर एक ऐसा रिजर्व है जो हर एक बैंक अपने पास ही रिजर्व रखती है, दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और आज के डेट में 18% है। आपके स्क्रीन पे इनका पूरा जो डेफिनेशन है वो भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ से भी आप पेन डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज ऑलरेडी हमने अलग वीडियो में आपको बताया ही है। हाँ, अभी हम इनडायरेक्ट रेट्स पे आएंगे जिसमें क्या आते हैं बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। बैंक रेट क्या होता है, एक ऐसा रेट जो लॉन्ग टर्म के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दूसरे कमर्शियल बैंकों को लोन देती है। एज ऑन डेट बैंक रेट इज कितना है 4.25, और जब ये शॉर्ट टर्म हो जाएगा बिलो 90 डेज हो जाएगा आरबीआई ही होगी बट कमर्शियल बैंकों को लोन देने का काम किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड व्हेन आरबीआई लेंड्स मनी टू अदर कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस, दैट इज बिलो 90 डेज, दिस इज कॉल्ड रेपो रेट, एंड प्रेजेंट रेपो रेट इज 4%। व्हाट अबाउट रिवर्स रेपो रेट, तो दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी और कमर्शियल बैंकों से लोन लेगी, यहां पे रिवर्स होता है, बोरो करती है आरबीआई। बाकी सारे में क्या देखा आपने, तो लेंड करते हुए देखा, यहाँ पे बोरो करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम अदर कमर्शियल बैंक, यहाँ पे कोई शॉर्ट या लॉन्ग टर्म पर्पस नहीं इन्वॉल्व है, इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। एज ऑन डेट ट्रिपल आर इज 3.35%। दिस इज ऑल अबाउट दिस आरबीआई टॉपिक, एंड माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू अगेन, प्लीज गो विथ सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लिंक, प्लीज एनालिसिस योर प्रोग्रेस, कितना आपने समझा, कितना आपने याद रखा, कितने मार्क्स आपको आए हैं, कहाँ आपने गलती की, क्यों आपने गलती की, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हम सेल्फ असेसमेंट सीरीज के किसी और वीडियो में मिलेंगे, इसी वीक मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।